हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, लिथियम आयन बैटरी से थोड़ा सा हट के ये है। पहला इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये आगे के 5 साल 10 साल 15 साल इस पर्सपेक्टिव से अगर आप अपने सोच को बनाएंगे, तभी आप मल्टी बैगर शेयर ढूंढ पाएंगे या फिर वो शेयर पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में, फ्यूचर में जो होने वाला है उस पर इन्वेस्ट करने वाली हैं। तो लिथियम आयन बैटरी की जो रिसाइकलिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हो कि लिथियम काफ़ी एक मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला आने वाले टाइम पे, क्योंकि लिथियम का यूजेस लिथियम आयन बैटरी में काफ़ी ज़्यादा होगा। उसी तरीके से इसकी बैटरी की रिसाइकलिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर बड़े बड़े एनालिस्ट की माने और सुने, फ्यूचर की जो डेटा को एनालाइज, डेटा एनालिसिस जो चल रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे, जिस तरीके से इंडिया में भी 2025 या फिर 2030 तक 60-70 लाख गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे भाई आप ये मत समझिए कि जो होता है ना फोमो काइंड ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इसीलिए ये स्टार्टिंग का टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपको ये लिथियम आयन रिसाइकलिंग बैटरी रिसाइकलिंग के शेयर्स भी काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। और हम बात कर रहे थे जैसे कि लिथियम का, लिथियम आप देखिए अभी जो लिथियम ट्रायंगल है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, यहाँ पे है, और इंडिया के अंदर तो लिथियम है नहीं। और लिथियम जब बैटरीज बनने लगेंगे तो कॉस्टली भी पड़ने लगेगा। कॉस्टली नॉर्मली भी आज की डेट में आप लेड एसिड बैटरीज को भी देखोगे तो रिसाइकिल होती हैं। आप अपनी इन्वर्टर की बैटरी को जब मंगाते हो घर पे, डेफिनेटली आप उसकी जो पुरानी बैटरी उसको देते हो तो 3-4 हज़ार रुपये की तो वही आपकी पड़ जाती है। अगर वो 1500 की टोटल कॉस्टिंग है तो आपकी रिप्लेस हो जाती है एज इट इज़ बैटरी। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कंपनीज जो है वो इस डायरेक्शन में भी सोच रही है कि लिथियम आयन बैटरी को भी कैसे रिसाइकिल किया जाए। और $1000 मिलियन से ऊपर की ये मार्केट है। अब आप सोचोगे इस मार्केट में कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है और हमें कौन से शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा एक हमको आइडिया मिल जाए तो वह बहुत बेहतरीन होगा। तो अब देखते हैं जो आज का लेटेस्ट अपडेट चल रही है लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और डीमैट अकाउंट भी आपके पास नहीं है तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है जीरोधा। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, उस पर उसके थ्रू प्रोसीड करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम जाते हैं इस मार्केट सेगमेंट के बारे में। देखिए, लिथियम आयन बैटरी की जो रिसाइकिलिंग है वो $1000 मिलियन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है। $1000 मिलियन की अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा ये, अब वो भी इंडिया के अंदर। और जैसे कि ये जेएम के रिसर्च है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो लिथियम आयन की बैटरी है इंडिया के अंदर उसकी जो ग्रोथ की स्पीड होगी ना, वो काफ़ी स्पीड होने वाली है। 2030 तक का अगर देखा जाए तो उसकी जो CAGR रहने वाला है एनुअल ग्रोथ, वो 35% से भी ज़्यादा, तो मतलब बहुत ही बढ़ने लगेगी। अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे, एक बार इसने अपनी स्पीड पकड़ ली तो डेफिनेटली इट विल ग्रो मोर देन 35% की स्पीड से। काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है ये एक्सपीरियंस भी। तो आप यहाँ पे जो हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, नॉर्मली कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कई वीडियोस बना चुके हैं कि जिस पे लिथियम आयन बैटरी के शेयर्स हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। रिसाइकलिंग में यही नहीं, अगर आप देखोगे कि ये जो ग्रोथ है, अगर इसको यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा और पुश मिल जाए, जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो गवर्नमेंट का प्लान है उसके अंडर बहुत सारे 6-7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे 2020 तक का अनुमान है, तो ये बहुत बड़ा ये प्लान है। और साथ में 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का भी गवर्नमेंट का प्लान है। तो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट काफ़ी स्पीड से काम कर रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये प्रेसियस मेटल है, जो ये आपकी बैटरीज, ताकि ये आपका मेटल, एक बार बैटरी बनी तो आपको पता ही है कोई भी बैटरी होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, चाहे वो 5 साल है, 7 साल है, जो भी होगा उसका टाइम पीरियड हो, तो रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम तक वो आगे जाएगी। तो वो उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्या आपका लिथियम जो बचा हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, और लिथियम आयन जो इधर से उधर ही तो उसने घूमना है, थोड़ा सा ये होगा डिग उसका जो डेप्रिशिएट हो जाएगा बट उसमें रहेगा ज़रूर। तो इसीलिए उसको रिसाइकल करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो कंपनीज काम कर रही है, टाटा केमिकल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एंटर कर रही है और बहुत ज़बरदस्त उसने अपने प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट भी कर दिए हैं। महिंद्रा का जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक है, महिंद्रा का वहाँ पे उसने प्लांट स्टार्ट कर दिया। इवन राशि सोलर एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसने भी जो एनर्जी के साथ साथ लिथियम बैटरी के रिसाइकलिंग प्लांट पे काम करने लगी है। छोटी सी एक कंपनी है जो कि
मेजरली प्राइवेट कंपनी है, तो ये बड़ी ये कंपनी जिन पे काम कर रही है। और आपको अगर मैं अभी डिटेल दिखाता हूँ तो आपको यकीन नहीं होगा। ये देखिए, हम टाटा से स्टार्ट करते हैं। टाटा केमिकल्स, देखिए ये लिथियम आयन रिसाइकलिंग प्लांट इसने इंडिया में स्टार्ट कर दिया, सेट्स अप इसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में। और इसका जो है 500 टन स्केल अप ऑपरेशन टू रिसाइकल 500 टन ऑफ स्पेंट ऑन लिथियम आयन बैटरीज। भैया ये इसका ने तो अच्छा खासा ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स अभी करंट स्टेट पे जहाँ पे पड़ा हुआ ये शेयर, और आने वाले टाइम पे इसकी ग्रोथ काफ़ी स्पीड हो सकती है इस चक्कर में, लिथियम आयन बैटरी के चक्कर में, क्योंकि इसने तो अपना प्लांट स्टार्ट कर दिया और ये काम भी करने वाला है। और लिथियम आयन रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस वेयर मेटल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज ये रिकवर किए जा सकते हैं बैटरी से। द रिकवरी मेंटेन्स 99% प्योरिटी इन द लेवल ऑफ यील्ड। मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी टाटा केमिकल्स ने अपने हाथों पे ली है तो आने वाले टाइम पे। और साथ में अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी कुछ यहाँ पे बड़ा एक पुश रहने वाला है, और इसकी रिसाइकलिंग से रिलेटेड भी गवर्नमेंट की इनको इंसेंटिव मिल सकते हैं, गवर्नमेंट का फंडिंग मिल सकता है, या फिर टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है टाटा केमिकल्स के लिए। इसने मुंबई के आसपास अपनी यूनिट ऑलरेडी ओपन कर दी है। और दूसरी चीज़ देखिए आप, इसने बैटरी का ये ऑपरेशन तो स्टार्ट कर दिया है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और अलग अलग ये साथ में, अब टाटा केमिकल्स आप सोच रहे हो कि टाटा केमिकल्स ही क्यों इनिशिएटिव ले रहा है। देखिए टाटा केमिकल्स के पास एक रीज़न है। टाटा केमिकल्स की अगर किसी इधर उधर से ऑर्डर इसके पास नहीं आया, तो टाटा केमिकल्स का टाटा का खुद का अपना टाटा मोटर्स है, और टाटा मोटर्स में काफ़ी स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट, जैसे अभी उन्होंने टिगोर पर काम किया, तो इसीलिए सीधे सीधे इसके पास तो अपना काम तो है ही, बाकी का काम और उठा लेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने पहला शेयर देखा टाटा केमिकल्स, और टाटा केमिकल्स की अगर आप डिटेल नहीं पता तो आप एक बार जान लीजिए। 15,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 596 का प्राइस है, और फिलहाल थोड़ा सा जंप जरूर देखने को मिला, लेकिन इस शेयर की अभी हालत पतली हुई पड़ी है, काफ़ी नीचे है ये शेयर। ये देखिए 6,000 करोड़ का डेट भी हो चुका है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये बढ़िया कर सकता है। फिलहाल अगर करंट स्टेट में मैं आपको टाटा केमिकल्स दिखाऊंगा तो आप देखोगे, देखिए बढ़िया इसने जंप दिया था नो डाउट, लेकिन 2018 के बाद ऑलमोस्ट 1-1.5 साल इसको हो गया जब इसने एक ट्रिपल टॉप पैटर्न आपने देखा होगा टेक्निकल्स पे बनाया है, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट है। और फिलहाल जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है वो प्रायर रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, उसी रेंज में इसने सपोर्ट लिया है। और ये देखिए जो ये रेंज थी ऑलमोस्ट 550 से 600 की, 650 की ये रेंज, और उसको अभी इसने पार किया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और लास्ट टाइम पे भी ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो देखिए बिल्कुल अगर इसी चीज़ को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए बिल्कुल इस बार इसने ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, 1, ये रेंज 2 और 3, ये ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, और स्टॉक में जंप जरूर आ रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने पार कर लिया डेली लेवल पे, और ये बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है। इसको थोड़ा इसको इस लेवल को भी ये पार करे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड इसमें देखने को मिले, थोड़ा सा ये ना एक बार स्ट्रेंथ आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो इसकी है वो है 600 साढ़े 600 की रेंज, इसको अगर ये पार कर लेता है तो फिर और स्ट्रांग पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है इस शेयर में। और फिलहाल बढ़िया तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसाइकलिंग पे इसने प्लांट भी ओपन कर चुका है। तो आप अगर आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल की सोच रहे होंगे तो आप खुद सोचिए किस हिसाब से टाटा केमिकल से टाटा ने और भी थोड़ा सा रीअलाइनमेंट करी है। रीअलाइनमेंट मीन्स यहाँ से इसने जैसे टाटा सॉल्ट है उन सबको हटा रहा है, और इसको अलग एक इंडिपेंडेंटली पूरा इस डायरेक्शन में केमिकल सेगमेंट की कंपनी बन रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो छोटी जो अनलिस्टेड कंपनी की मैं बात कर रहा था वो थी राशि, ग्रीन अर्थ एनर्जी, राशि सोलर आप जिसको कहते हो, ये एक मेजर है। इसने भी अभी लिथियम आयन बैटरी का जो यूनिट है ये तमिलनाडु में बना रही है, लेकिन ये कंपनी नॉट लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी है। और इसके अलावा हमारे पास है महिंद्रा का, आपने देखा होगा महिंद्रा भी, महिंद्रा की आपने रेवा देखी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा है, और साथ में ये कंपनी भी महिंद्रा इलेक्ट्रिक है ये, जो कि अगर आप जाओगे महिंद्रा इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा भैया ये एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की जो 19 बिलियन का महिंद्रा ग्रुप है, बिलियन डॉलर का महिंद्रा ग्रुप है, उसकी ये कंपनी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे ये रेवा जो इसकी आती है, और भी कम जो गाड़ियाँ महिंद्रा की आ रही है, जैसे महिंद्रा XUV300 है वो 2021 में लॉन्च होने वाली है, और साथ में लिथियम आयन बैटरी के ऊपर ये काम करने वाला है। अभी तो फिलहाल ये LG कैम के साथ काम कर रहा है, और LG कैम एक ग्लोबल लेवल की एक बहुत बड़ा प्लेयर है लिथियम आयन बैटरी के सेगमेंट में। तो सारे अपने टाई अप और मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटेजी सारी बना के चल रहे हैं, और
क्योंकि फ्यूचर दिख रहा है भाई उनको, इसीलिए सब स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेज, अभी ट्रियो, इन्होंने ऑटो भी लॉन्च किया है केरला के अंदर। और इस तरीके से अगर आप देखोगे, महिंद्रा इलेक्ट्रिक जॉइंस हैंड विद डसॉल्ट सिस्टम के साथ भी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग के लिए हाथ मिलाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से सोचते हो फ्यूचर के हिसाब से, तो जैसे कि आप देखिए, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल 10 साल का हॉरिजन लेके करते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए नहीं करते। वैसे ही इक्विटी मार्केट में भी इस तरीके के अगर आप फ्यूचर विजन को लेकर चलोगे, देन डेफिनेटली यू विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आपकी अपनी राय इस पर्टिकुलर जो हमने एरिया बताया आपको, लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग का, उसके बारे में कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और आपके पास कुछ और शेयर्स हों जिसके जिनके बारे में आप जानते हो जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कमेंट के थ्रू ऐड कीजिए ताकि और व्यूअर्स को भी पता लग जाए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।